क्या ठीक हो जाए ना? एकदम ठीक हो जाए, यही से तो ऑपरेशन करावल जाता। पर ऑपरेशन में बहुत पैसा खर्चा होला दीदी। खर्चा तो होला, पर तू ये बात काहे पूछत रहो? ना हम यही से ही बात पूछत हैं कि ठाकुर साहब कितना अच्छा आदमी बारे, इतना पैसा दीदी के नाम कर दे बारे। हाँ अच्छा आदमी तो बारन, न तो आज के जमाना में केहू केहू के इतना मदद ना करेगा। दीदी रवा से वो बात पूछी? हाँ हाँ पूछा ना। हमू दीदी ऐसे नौकरी करे के चाहता नहीं दीदी, पर का करे, हमर तो पूरा पढ़ाईयो नहीं के भाई। देखा नौकरी करल अच्छा बात बा, पर ओकरा ला कुछ पढ़ाई कर जरूरी बा, तो पढ़ाई का ही छोड़ दे लो। ऐसा परिस्थिति में जहाँ बाबूजी के इलाज करावल मुश्किल बा, वहाँ हमार पढ़ाई के खर्चा कहाँ से आई? हमारा पढ़ाई छोड़ा देवल जाए का दीदी? अरे ना पगली, तोनी सब खातिर तो तोहर दीदी दूसरा घरे जाके नौकरी करत आ रही। पर अकेले दीदी का करी है? हम तोहर दीदी के अच्छा से जानता नहीं, वो तोनी सब खातिर कुछ कर सकती है। पर हमू दीदी के साथ देवे के चाहता नहीं, का करी कुछ समझ में नहीं खेवत। घर में रह के घर के ठीक से संभारल भी साथ देवल ही होला। चाचा जी के ऑपरेशन के बाद उनका देखभाल ठीक से करा, ये सहयोग भी बहुत जरूरी बा। केकर सहयोग के बात करत है? वो कुछ ना भाई, हम तो दीदी से ऐसे ही बतियावत रहनी है बाबूजी की आग के लेके। बेटी तुहार बहुत एहसान हमने पर जे इतना अच्छा से सेवा करत है। बेटी कहता नहीं और एहसान के बात करता नहीं? अगर हमर घर में कुछ ऐसा हुई तो तनुजा के सेवा ना करी? काहे ना करी, हमरा तो बस काल के ऑपरेशन का चिंता लगल बा, ठीक से हो जाए। चिंता मत करी चाची, आजकल तो ऐसा ऐसा मशीन बन गई बा कि 10 मिनट में ऑपरेशन हो जाला। यही से नो बेसी पैसा काटेला डॉक्टर साहब, छोट मोट ऑपरेशन करिए आ इतना इतना पैसा ली, अब तुहू तो वही अस्पताल में बाड़ू ना जी। तब तो जानते हो बो कि डॉक्टर साहब कितना काटो होखे ना, जौन बीमारी ना होई वो बीमारी बना के छोट मोट में इलाज करत रही है। पर बुआ जी, चाचा जी के आंखें हालत तो रवा देखते बानी ना। तबे कहा था नहीं, ना जाने कितना पैसा ठगी वो डॉक्टर ठगेरा ना हवन, हम जाना था नहीं। ओ का कहा जाना, तोहरा के करो कमीशन उमीशन देता का? देखी बबू, हम लड़ाई करे नहीं चाहत, लेकिन रउआ ऐसे बोलब तो हमरो मुँह खुल जाये। खोली डरात कहे बानी? सब रउआ जैसन नहीं खे, जे भाई के जान पर आफत पड़ल बा आ अपना जेवर सब बनारस भेज देले बानी। नहीं तो और का करी, रउआ लगन को उठा के दे दी ताकि जेवर पैते हमरा के घर से धक्का मार के बाहर निकाल दा। बेटी वो तोरा से जे कहली ओकरा खातिर हम माफी मांगता नहीं। चाची रउआ काहे माफी मांगी था नहीं, हमरा ये सब बात से कौनो फर्क ना पड़ेगा। ठीक बा, तू लोग बात कर, हम आवत है। पर दीदी माँ जी के मन के दुख तो हमने पढ़ लेनी, ये ना पढ़ पाई है काहे नादान बाड़ी। नादानी की गलती रहल हा, यही से तो माँ जी कुछो ना कह लिया। लेकिन तू आज अच्छा ना कहलू हा तनुजा जी। पर हम का गलती कहनी, हमरा कुछ समझ में नहीं आवत। दीदी इंकरा के इनकर गलती समझा दी। अच्छा तू कह दरू तो हम बता दे बता। देवर जी केकर हलैका हमन इजानत अरु? जी हाँ, ठाकुर साहब के ठाकुराइन जी के। असोच कि देवर जी ओ लोग से ज्यादा तहार बात माने लगी हैं और सबके सामने तहार हाथ पकड़ के जाए के जीत करी हैं, तो ओ लोग के कितना बुरा लगी, ये बात पे ध्यान दे लू हा जी। विक्रम बाबू कोई के भी बात मानस, जरूरी ई बा की वो बात मानस। लेकिन माई के बात ना मानस, एक कोना माई के अच्छा लगी? विक्रम बाबू तो अबोध बारन, उनका बात से कोई के का फर्क पड़ता?
तोहरा फरक पड़त हो या ना, लेकिन हम सबके बहुते फरक पड़ेला। आ देख लिया, आज न तक काल तोहरा ये बात के जरूर विश्वास हो जाई। अरे जब हमने के बहू होके लड़का के कुछ बोल दिला तो उनका बर्दाश्त न होला, और तू तो एगो नौकरानी हो, वो चार दिन भइल बा। सच कहा तानी दीदी, ये बात तो हमरा मन में आईबे ना कई। मंजली तोहार मन में बहुत कमे बात आवेला। जाय दीना, हम तो ये माने नहीं कि जैसे भी होके हमनी के अपन कर्म अपन फर्ज पूरा करे के चाहिए। कहीं ही फर्ज तहर गर्दन के फांसी ना बन जाए। का बात बा दुल्हन, कौनो बात भइल है का? का बात बा दुल्हन, कौनो बात भइल है का? ना ना माँ जी, कौनो बात ना। हम तो ई कहत रही इकरा से कि तू देवर के देखरेख बहुत नीमन से करेलू, भगवान तारा के सफल बनावस। ये समझियो गई नी कि फर्ज कबो कबो गला के फंदा भी बन जाला। बड़ी होशियार बाड़ी। मंजली तू अपन तनी बक बक बंद करबू, ला काजू खा और चल हमरे जोड़े। का कहत रही दोनों दुल्हन बेटी? जी कुछ हो ना। हम जाना था नी बेटी कि तू ओकनी के बात के बढ़ावे के नहीं खू चाहत। आ हम इहो जाना था नी कि ओकनी दुनु कुछ अच्छा भी ना कहले हुई। छोड़ी ना, हम जौन काम लायल बनी वो पूरा कली, यह बहुत बा। बेटी सब के विचार अगर तोहरे जैसन रहित तो कितना अच्छा हुई। फिर भी बेटी हम ओकनी दुनु के तरफ से माफी मांगता नी तोहरा से। ई का कर रहल बनी? हमरा से माफी मांग के हमरा के पाप के भागीदार मत बनाई। बस आशीर्वाद दी कि हम अपन फर्ज के निभा सकी। भगवान तुहार हर मनोकामना पूरा करस बेटी। परी दोस्त केने बड़ी? परी दोस्त हम आ गई नी। हम तैयार हो गई नी। वाह रवा, तब पूरा तैयार हो गई नी। के कई लखा तैयार? के कई लखा तैयार? गिरी अंकल। गिरी अंकल। अरे वाह रुआ, तब बहुत होशियार हो गई बनी। हाँ हम सियार हो गई बनी। सियार ना, होशियार हो गई बनी। हम होशियार हो गई बनी। अच्छा ये बताई रुआ का खाना खाए, कहे की दवाई खाए के बानू? हम तो खाना खा लेनी। खाना खा लेनी? वो रामा बबनी खीर लेके आए ले लिया, वही में से दो चम्मच खैलन है और कहता रहन की खा रही। अच्छा रवा खाना खाए के अभी बाकी बा, बोली का खाए के मन बा? दवाई खाए के बा। दवाई? दवाई तो खाई के बा, बाकी खाना का खाए के मन बा? सुना तू इनका से बैठ के बतियावा, हम जाके देखता नहीं कि खाना बनल कि ना। जी काका। का कर रहल बनी? माँ दुर्गे हमरा के शक्ति दी कि हम अपन जिम्मेदारी पूरा कर सकी, विक्रम बाबू के एकदम पहले ऐसन ठीक कर दी। का बात बा, आज बहुत जल्दी बिछौना पे आ गई नी? ना बस ऐसे ही, वो लेखिया के आज ऐसे मन तनी निश्चिंत हो गई बा। वही से मन कहले की लेटी तो लेट गई। आ देखी ना ये घर में जैसे वो लड़किया के सबके आदत जैसन पड़ गई बा। ठकुराइन जे आपन काम ईमानदारी से करेला ओकरा प्रति सबके स्नेह हो जाला। हाँ रउआ ठीके कहता नी, आ उहो लड़किया ई घर में सबके हुके पहचाने लागल बिया कि केकर कैसन स्वभाव है। जाने लो एहन आदमी के खासियत होखेला जे सही समय पहचान के सही माहौल के रूप में अपना के ढाल लेवेला। हाँ रउआ ठीक कहता नी। बाकी रउआ रमा के ब्याह के बात करे खातिर कब जाए के सोचनी है? अरे ऐसे ही चल जाए,
पहले बड़की बहुरिया अपना बहिन से बतिया तो लेस, फिर चल जाए। हाँ ई ठीक रही। ए जी एगो बात और कल मत बिसरा। हाँ। जब रिश्ता पक्का होए लागी ना तो उनका सामने एक प्रस्ताव रखब कि विजय बाबू अगर घर जमाई बन जैतन तो बहुत अच्छा रहित, रमा के कोनो तकलीफ भी ना होइत। देखा ठकुराई, कौनो खुददार लड़का घर जमाई ना बनल चाहे। बाकी बात करे में का हरज बा? ना हर्जा तो कोनो नहीं खे, बाकी ओकर तरीका खोजे के पड़ी। हमू नहीं की चाहत ठकुराइन कि हमार बेटी तकलीफ में हो खस। रउआ बात करम आ थोड़ा दबाव बनाएम तो बात बन सकता। हाँ बात तो तू ठीक कहता रो। उ दिन वो लड़का कहत रहे कि वो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बा। अगर ओकर बिजनेस एजे से शुरू करवावल जाओ तब बात बन सकेला। अच्छा रही, वो यहाँ से बिजनेस करी है तो यहाँ रहे के पड़ी, और रमा भी हमनी के आँखी के सोझा रही तो उकरो कौनो तकलीफ हो ना हुई। ठीक बा, रउआ बड़की बहुरिया से बतिया के एगो दिन फिक्स करवा ली, हम जाके बतिया ले। मल्लिका राहुल खाना लगाई? मल्लिका खाना लगवाई? दिन भर कहाँ रहला? वो बिक्की बबुआ के देखत रहनी है। अच्छा, बाकी बिक्की बबुआ आज परेशान तो ना कैलन ना? आज तो दिन भर उनका संगे कैसे बीत गई पते ना लागल है। आ वो तो अब पहले से बेसी समझदार हो गए बारन। ये तो अच्छा बात बा, चला खाना खिया दा। जी हम उतनी बड़की दुल्हन से मिल के आवतानी। रवो के चैन नहीं खे, तुरंत बड़की बहुरिया से बतिया चल दे। जाकी पता ना हमार फैसला सही बाकी ना। बबनी शादी ब्याह के माहौल तो ऐसा होला कि कब किकरा हाथ में मेहंदी लग जाए कोई ना जान सकेला। अब रवा अपना आप के ले ली। देवर जी के बिया में रवा विजय बाबू से कहा मुलाकात भई कि अब वो मुलाकात रिश्ता में बदले जाता। भौजी रवा घूम फिर के हमरे बिया के बात पता आ जावे नी? अरे तो और कहा जाए, हमार बिया के बात तो पुरान हो गई। तो कोनो नया बात करी ना? यही से तो नया बात करत नी, अब राउर बिया के बात तो नए बा ना। भौजी रुआ हमरा के परेशान करे तो हम चल जाए। बबनी जिंदगी में ई परेशानी बार बार ना आवेला, यही से तो कहत नी ई परेशानी के मजा ले ही। अच्छा तो रुआ ये बताई कि रुआ के परेशान करत रहला? हमरा के परेशान करी? हाँ एक बार हमार भौजाई लंग कोशिश कैले रही, ऐसन पलट के मजाक कैली कि दोबारा हिम्मत ना भई। वाह भौजी एकर मतलब रुआ पहले से सबके परेशान करत रहनी है? का मतलब? मतलब ई कि पहले रुआ अपना भौजी के परेशान करत रहनी है, अब हमरा के परेशान करत है। बबनी हम रुआ के परेशान नहीं करत, बल्कि ए परेशानी के मजा लेवे के कहता नहीं। रमा अरे का बात हो रहल बा ननद भौजाई के बीच में? कुछ न माजी, बस भौजाई और ननद के बीच में मजाक चलत रहे। बैठी ना माजी। बहुत अच्छा बात बा, घर में हमेशा हंसत बोलत और घुल मिल के रहे के चाहिए। ओहे बात तो हम रमा भवनी के बतावत रहनी। हमहू तोरा से रमा के बारे में ही बतियाए आयल बनी। जी माँ जी कही ना। हम जातनी। अरे भवनी रवा कहाँ चल देनी, ये मैं बैठी। दुले हम ये कहे के चाहत रहनी कि तू विजय बाबू के यहाँ खबर करता कि ठाकुर साहब मिले के चाहत रहनी। भौजी हमें जाए। बबनी शर्मा गई जी। दुल्हन तू अपन बहिन से बात कर ला आ कौनो दिन तय कर ला, उ दिन बाबूजी जाके मिल ली हैं। जी माँ जी जैसे रुआ ठीक समझी, हम अभी बात कर लेते दीदी से। अरे नाना अभी बहुत रात हो गई बा दुल्हन, सब खा पी के सूते के तैयारी में हुई है, कल आराम से बात कर लिया। जी माँ जी। अच्छा दुल्हन अब तू हो सूता, हम जाता नहीं। एक बारी ब्याह हो जाएगा फिर पूरा ठाकुर खानदान के ताता थैया ना करौनी तो हमरो ना।
रवा आ गई नी का? हाँ भाई आ गई नी। का बात बा, बड़ा परेशान लगा तड़ू। परेशानी वाला बातें बा, रवा तो ठहरनी महात्मा कनी है कि माई से बात करब। विजय बाबू जब घर जवाई बन जाई है तब रवा बात करके का करब? अरे तू तो ऐसे कहा तड़ू जैसे लगा था कि कले बिया हो गए। बिया काले तो ना बाबूजी, बिया के बाद करे खातिर जाए वाला बाड़े। बिया के बाद सब तय हो जाए तो उकरे बाद जाके कोनो फायदा ना। तोरा ज्यादा परेशान होला के जरूरत नहीं है। हम देखा तानी कि माँ के सामने में कैसे बात रखी। कैसे का बात कहे के बा, रउआ माँ जी के सामने जाके अपन राय रखी। अरे खाली राय रखला से फायदा ना हुई, बात रखत समय ध्यान में रखे के पड़ी कि हम बात ऐसे रखी कि लगे कि घर जमाई के निर्णय जे बा एकदम गलत बा। दीदी तो ऐसा चाल चलने बाड़ी कि माई बाबू जी सभी उनकरा बस में बा। अब तो शेर पे सवा शेर पड़े, ऐसा कुछ करे के पड़ी। हमारा का करे के पड़ी वो हम देख समझ लो। तो नहीं आवा, बैठा तो पहले आवा बैठा। का कह ले रहे तेरा डॉक्टर? आराम करे के ना, तो तू बस आराम करा। हम तो आराम ही करा तानी, हमारा आराम करने से कितना लोग फायदा उठावा तानी। अरे क्यों कौनो फायदा ना उठाई भाई, बुझाइल तोहरा। और हल रमा के बियाह के बाद तो वो तो ठीक ही होता ना भाई, बाकी जो घर जमाई के बात बा वो तो हम ना होके दे। देखी ये दीदी के बात के टेंशन में तो हम रउआ से मेन बात पूछे खातिर भुला गई नी। हम रउआ के कुछ कहले रहनी है, ले आईनी का? का लावे के कहले रहो हो? हम जानत रहनी कि रउआ भुला जइहन, कितना मन रहल हमार जलेबी और इमली खाए के। ए राजरानी, अरे सुना हो, सुना ना। ना छोड़ी। अरे सुना तो सही, छोड़ी हमरा के। अरे सुना ये नहीं, अब बैठ। अगर हम तोहरा से ई कही कि तू जे कहले रहो वो हम ले लिहे त का कहा बा? देखा इनका के अरे संभाल के भाई, तू तो इमलिया के ऐसे चाता ताड़ू जैसे लगा था कि इमलिया के पंख लगवा उड़ जाए। अरे एने आवा, ए चंपा अरे तन प्लेट लेके आओ। एने आवा भैया, हम आ गए। वैसे हम कुछ दिख ली ना। अरे जो जो जाके प्लेट लेके आओ जो। अच्छा अच्छा, अब छोड़ी जी। बबुनी अकेले काहे बैठल बानी? कुछ ना, माथा में तनी दर्द बा। फिर तबियत खराब हो रहल बा का? ना तनी मनी दर्द बा, ठीक हो जाए मुझे। चाय मंगवा दी? हम चंपा के काके आयल बानी, उ लेके आवते होई। देखी चाय अभी ले ना आई, हम लेके आवता ना। अरे भौजी रुआ मत जाई, और तबियत भी तो ठीक नहीं खे। अब ऐसे भी चाय पीला से ही दर्द नानू ठीक होई। बबुनी रउआ हमरा से कुछ छुपा रहल बानी का? ना भौजी, हम रउआ से का छुपाएं? ई है कि रउआ के केहू के याद आ रहल बा और रउआ ई है छुपा रहल बानी। हम काहे केहू के याद करे जाई? हमरा से मत छुपाई। बबुनी एको बात कहे चाहतानी, कुछ दिन से हमरा मन में एको डर बैठल बा। का कहे के चाहतानी भौजी? देखी बबुनी कहे के तो ना चाहिए, पर राउर भौजी है, रउआ के कोनो दुख होके तो हमरा के अच्छा ना लागे। साफ साफ कही ना भौजी। अब का कहे, रउआ तो अपन कमी जनते बानी, दूसर लोग तनी से बात पे बेसी नेम खेम निकालेला। का मतलब? बबुनी अब सब घर में रउआ जैसन नीमन ननद, माँ बाबू जैसन सास ससुर नानू मिली। बिया के पहले हमरा मन में ये डर रहे कि न जाने हमरा के कैसे सास ससुर मिली है, और यह डर हमरा के अपने बबुनी खातिर बा कि न जाने हमरे बबुनी के कैसन परिवार मिली।